आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैंने बताया था पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे रे, फोर फीचर पढ़ रहे थे। फोर फीचर तीन टाइप का हम लोग पढ़े थे, फोर फीचर शेयर इशूड एट पार, फोर फीचर ऑफ शेयर्स ऑफ इशूड एट डिस्काउंट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये तीन चीज़ हम लोगों ने कंप्लीट करवाए थे। तो आज का मैटर बहुत क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। क्या पढ़ेंगे आज हम, फोरफीचर फोरफीचर ऑफ शेयर्स ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर्स व्हिच आर इशूड ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट। तुम बोलोगे सर प्रोराटा अलॉटमेंट क्या है, मैंने आपको बताया था प्रोराटा अलॉटमेंट ओवर सब्सक्रिप्शन में बताया था कि प्रोराटा मतलब, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी, क्या द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी ऑन एप्लीकेशंस मस्ट बी एडजस्टेड विथ द अलॉटमेंट स्टेजेस एंड फर्स्ट कॉल स्टेजेस ऑन सेकेंड कॉल स्टेजेस वेन एवर देर इज एन रिमेनिंग अमाउंट ऑफ मनी विल बी गिवन बैक एज एन बैंक। क्लियर समझ में आ रहा था, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी एप्लीकेशन स्टेज का एक्स्ट्रा मनी होगा हम लोग अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट करेंगे, नहीं तो फर्स्ट कॉल स्टेज में एडजस्ट करेंगे, नहीं तो वो बैंक पैसा उनको रिटर्न करवा देंगे। दिस इज नोन एज प्रोराटा अलॉटमेंट। तो प्रोराटा अलॉटमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई सोच लो वो तो इतना पैसा दे दिया, वो इतना पैसा नहीं दिया, फोरफीचर में कितना डालेंगे, अलॉटमेंट में कितना डालेंगे। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सोच लो एक शेयर 100 रुपीज का था, 40 रुपीज मैंने एप्लीकेशन में दे दिया, क्लियर 40 रुपीज एप्लीकेशन में गया, नेक्स्ट 30 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में गया, और जो इधर है 30+20 ये था अलॉटमेंट। क्लियर, ये जो 30 था ये अमाउंट था शेयर अलॉटमेंट, ये जो 20 रुपीज था शेयर प्रीमियम। क्लियर, वैसा ले लो, नहीं तो एक काम करते हैं नॉर्मल सा करते हैं फिर यहाँ पे शुरू करेंगे। 30-50 ना लो के डायरेक्ट ले लो, यहाँ है सोच लो 40+30+30 ऑन अलॉटमेंट। क्लियर, एप्लीकेशन में 40, अलॉटमेंट में 30, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 30, टोटल मुझे कितना मिल रहा है 100 रुपीज मिल रहा है। क्लियर, यहां जो मैंने रिसीव किया था 100 से ने मैंने क्या किया इशू करवाया, सोच लो मैंने 125 सीट्स सब्सक्राइब हुआ पब्लिक द्वारा, मतलब पब्लिक ने मेरा 125 सीट सब्सक्राइब किए। तो प्रॉब्लम क्या है, जो 25 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होगा। सोच लो 25 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा, 25 × 40 दैट मीन्स 1000, दिस अमाउंट ऑफ 1000 मस्ट बी एडजस्टेड विथ द 30 × 100 3000। मेरा जो अलॉटमेंट मनी है 3000, वहाँ मेरा एप्लीकेशन स्टेज का एक्स्ट्रा शेयर्स क्या हो रहा है, इधर एडजस्ट हो रहा है। तो सोच लो वो आदमी ने क्या किया, अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी भी नहीं दिया। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा जब भी, सोच लो मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। देखो ये जो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, मगर ये जो 1000 है अन एप्लीकेशन में अलॉटमेंट के लिए दे दिया था, इसका मतलब अलॉटमेंट का हाफ नहीं दिया, क्योंकि ये जो 1000 अलॉटमेंट के लिए दे दिया है, मतलब जो 1000 है ये अलॉटमेंट के लिए थोड़ा सा दे दिया, थोड़ा सा नहीं दिया, पार्टली दे दिया है पार्टली नहीं दिया। तभी आपको क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ,
थोड़ा अच्छे सुनो, एप्लीकेशन का स्टेज में अलॉटमेंट का छोटा सा पार्ट इसने दे दिया, तो हमको कंफ्यूजन हुआ कि भाई मेरे जो अनपेड अनकल्ड अमाउंट में लिखूं, अलॉटमेंट मनी का नाम लिखूं या ना लिखूं, सिर्फ फोरफिट में ये 30 रुपीज इंक्लूड करूं या ना करूं, ये पूरा क्लीन मतलब जानने के लिए हमको एक छोटा सा चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो फोरफीचर का एंट्री बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो फोरफीचर का एंट्री था क्या था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर, पहला हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेलर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी पैसा नहीं मिला है शेयर कैपिटल अकाउंट उसका भी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पैसा मिला टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अच्छे से सुनो, शेयर कैपिटल में हमको क्या लिखना पड़ेगा, दोज अमाउंट कॉल्ड अप, हम लोगों ने जितना मांग लिए उतना लिखना पड़ेगा। शेयर अलॉटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, मतलब मैंने जो बताया था आपको 30 रुपीज टोटल 3000, अच्छे से सुनो, शेयर अलॉटमेंट स्टेज का 3000 था, पर 3000 से एप्लीकेशन स्टेज का एक्स्ट्रा 1000 आके 3000 से एडजस्टमेंट हो गया था, मतलब अब अलॉटमेंट स्टेज के लिए हमको कितना चाहिए, अलॉटमेंट स्टेज के लिए हमको 2000 चाहिए। मैं पचने जब भी अब 5 मिनट पहले के एग्जांपल लिया था, मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन स्टेज में अलॉटमेंट के लिए वो लोग 1000 दे दिए, पर अलॉटमेंट स्टेज के लिए मेरा अमाउंट था 3000, पर 3000 अभी हमको नहीं मिलेगा क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज में वो लोग ऑलरेडी 1000 दे दिए, तो किसके लिए हमको शेयर फॉरफिट करना पड़ रहा है, 2000 के लिए शेयर फॉरफिट करना पड़ रहा है, इसीलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमको 2000 लिखना पड़ेगा। फिर से अच्छे से क्लैरिफाई करता हूँ, मेरा कितना शेयर था रे, 100 शेयर था, और 100 रुपीज़ का शेयर था, पहला था कितना रे हम लोगों का, 125 लोगों ने सब्सक्राइब किया, अगर 125 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो 125 ये जो एक्स्ट्रा 25 इंटू 40 1000, मतलब एप्लीकेशन स्टेज में एक्स्ट्रा 1000 मुझे मिल गया, किसके लिए मिल गया, अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के लिए मिल गया, पर अलॉटमेंट स्टेज का जो अमाउंट था 30 रुपीज इंटू एक एक शेयर के लिए 30 रुपीज था, तो टोटल मेरा हो गया 100 शेयर्स, मतलब 3000, जो मुझे अलॉटमेंट स्टेज में 3000 मिलने वाला था, ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टेज में वो लोग 1000 मुझे दे दिए हैं, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट हमको 2000 के लिए, सोच लो अलॉटमेंट स्टेज के लिए वो लोग ऑलरेडी 1000 दे चुके हैं अलॉटमेंट का और बाकी पैसा नहीं दिए, इसका मतलब ये लोगों ने क्या करे, थोड़ा दिल को लेके बात को समझो फिर मजा आएगा। और जो मेरा इनका शेयर मैं क्यों फोरफिट करूंगा, बिकॉज वो लोगों ने 2000 नहीं दिए, क्योंकि 3000 उनका अमाउंट होता है, अलॉटमेंट मनी का पूरा अमाउंट नहीं दिए, बट एप्लीकेशन स्टेज में जो एक्स्ट्रा 1000 था वो तो अलॉटमेंट स्टेज में अलॉटमेंट हो गया ना, एडजस्ट हो गया ना, तो 3000 के लिए इनका सिर्फ फोरफिट नहीं हो रहा है, कितना रुपया के लिए फोरफिट हो रहा है, 2000 के लिए फोरफिट हो रहा है। तुम बोलोगे सर फोरफिटेड में कितना लिखेंगे हम लोग, इधर मिलेगा 40 रुपीज, फोरफिट में हमको कितना मिला रे, 40 रुपीज मिला एप्लीकेशन के लिए, 10 रुपीज एक एक शेयर के लिए और 1000 मिला, 40 रुपीज इंटू 100 ये हो गया 4000 रुपीज, ये हो गया 1000 रुपीज, 4+1000 5000 आ जाएगा सर फोरफिट में, क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया एक प्रॉब्लम मैं लिखता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, देखो फटाफट क्लैरिफाई हो जाएगा एकदम अच्छे से। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा जो जो अमाउंट क्रेडिट होगा, वेदर सर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो,
सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट क्रेडिट हो, सिर्फ फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिट हो, सिर्फ अलॉटमेंट में हमको जितना पैसा नहीं मिला है, जितना पैसा नहीं मिला है, जितना पैसा नहीं मिला है, 3000 हमारा अमाउंट होता था, पर एप्लीकेशन स्टेज का एक्स्ट्रा वो लोगों ने 1000 दे दिया, इसका मतलब हमको 2000 नहीं मिला, तो अलॉटमेंट के लिए हमको 2000 ही लिखना पड़ेगा, 3000 लिखने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, और कुछ नहीं है प्रॉब्लम में। क्लियर? मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, यही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, फटाफट देखो एकदम क्लैरिफाई हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड इशूड्स 100 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन ₹40 ऑन अलॉटमेंट ₹30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना ₹30 40 30 30 टोटल कितना हो गया 100 हो गया। 125 शेयर होल्डर 125 शेयर होल्डर सब्सक्राइब द शेयर्स 125 होल्डर सब्सक्राइब द शेयर्स सो the remaining money will adjust on allotment stage। देखो कभी कभी क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोल देता है इसका मनी एडजस्ट करो, इसका भी मतलब कुछ नहीं है, प्रोराटा अलॉटमेंट है। समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रोराटा अलॉटमेंट डायरेक्टली बोले या बोले कि द एडजस्टमेंट अली अलॉटमेंट में एडजस्ट करवाओ, एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करवाओ, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या बोल रहा है? द मनी विल बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट स्टेजेस। इसका मतलब क्या है रे? प्रोराटा अलॉटमेंट, क्लियर? आउट ऑफ विच 10 शेयर होल्डर नॉट एबल टू पेड द अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी सो देयर शेयर्स वेयर फोरफिटेड। इसके लिए इनका शेयर क्या हुआ? फोरफिट हुआ। दी शेयर्स वेयर reissued on rupees कितने में होगा रे? सोच लो, 30 rupees मिल गया होगा, 40 rupees 50 में कर लो। The shares were reissued at ₹50 कितने में reissue कर रहा है? 50 में कर रहा है, 60 में कर लो, 60 नहीं 80 में कर लो, क्योंकि बहुत कम पैसा मिला है। Forfeited the shares were reissued on 80. Pass. Necessary. Journal entries. In the books of ABC Limited. फटाफट क्वेश्चन लिखो। ओके चलो फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला बात तो है ये प्रोराटा अलॉटमेंट का केस है। प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या है रे? हमारा एप्लीकेशन में कितना था रे? 40 rupees अलॉटमेंट में कितना था रे? 30 rupees नेक्स्ट क्या है? 40 30 ये भी हो गया 30 rupees। तो यहां मेरा कितना शेयर का पैसा मिल रहा है रे?
ओ मैंने लिखा है ना, हाँ 125 शेयर होल्डर का पैसा मिल रहा है। तो टोटल मुझे कितना पैसा मिल रहा है? फर्स्ट पॉइंट नंबर वन क्या होगा एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है? 14 into 125, 14 into 100 हो गया 4000, 25 into 4 हो गया 100, मतलब 25 into 40 ये हो गया 1000, 5000 टोटल हो गया, ये हो गया 5000, ये हो गया 5000। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर वन, शेयर एप्लीकेशन को 5000 मिल गया, पर एंट्री क्या होगा रे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल को कितना ट्रांसफर होगा? वही अमाउंट 40 ट्रांसफर होगा, बट 100 शेयर का ट्रांसफर होगा, क्योंकि मैंने 100 शेयर इशू करवाया, 125 शेयर का कभी ट्रांसफर नहीं होगा। तो 100 इंटू ये हो गया 40, इसका मतलब 4000, ये भी हो गया 4000। क्लियर? पॉइंट नंबर थ्री, हाँ ये पॉइंट है, 4000 होगा यहाँ, यहाँ क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 5000, शेयर कैपिटल अकाउंट 4000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1000। यही बच्चे लोग प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन स्टेज को 4000 जाएगा और बाकी अमाउंट किधर जाएगा? अलॉटमेंट स्टेज को जाएगा। क्लियर हो ना आप लोग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर थ्री, अभी शेयर अलॉटमेंट करेंगे, कोई भी 10 बंदा क्या कर रहे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं है, उसके वजह से मेरा शेयर क्या हुआ? फॉरफिट हुआ। क्लियर? पहले कॉल डक कर लो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना मिलना चाहिए रे? एक एक शेयर कैपिटल अलॉटमेंट है 30 रुपीज, 30 into 100 शेयर 3000, ये भी हो गया 3000। पॉइंट नंबर फोर, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको शेयर अलॉटमेंट स्टेज में कितना अमाउंट मिलेगा? देखो एक्चुअली मुझे कितना मिलना चाहिए? 3000 मिलना चाहिए था। क्लियर? 3000 से हमको 1000 ऑलरेडी मिल चुका है, इसका मतलब और 2000 हमको मिलना पड़ेगा। कितना शेयर के लिए 2000 मिलेगा? 100 शेयर के लिए हमको इधर 2000 चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो बैंक अकाउंट डेबिटेड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 3000 करता, पर ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होके 1000 है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हमको इधर 2000 करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखो टोटल मेरा ड्यू था 3000, ऑलरेडी मुझे मिल गया कितना? 1000, तो टोटल अभी मुझे कितना मिलना था? 2000 मिलना था। कितना शेयर होल्डर के लिए? 100 शेयर होल्डर के लिए, पर उन्होंने मुझे कितना नहीं दिया? 10 शेयर होल्डर ने दो कितना रुपया टोटल है अलॉटमेंट स्टेज, मतलब 100 शेयर के लिए 2000, मतलब एक एक शेयर के लिए मुझे 20 रुपया मिलना था। 10 शेयर होल्डर है 20 रुपया, मतलब 200 रुपीज मुझे नहीं मिला। यहां ही तुम लोग कंफ्यूजन हो गए, मैं फिर से बता रहा हूं, टोटल मुझे 100 शेयर्स के लिए 30000 मिलना था, पर यहां प्रॉब्लम क्या हुआ? सॉरी 3000 मिलना था, पर 3000 में से मैंने क्या बोला कि 1000 जो है 1000 इधर हटा दो। क्यों हटा देंगे 1000? बिकॉज ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन स्टेज में रिसीव कर चुका हूं, तो अभी मुझे कितना मिलना चाहिए था? 2000 मिलना चाहिए था। 100 शेयर होल्डर से
2000 मिलना चाहिए था, तो एक एक शेयर होल्डर के लिए मुझे 20 रुपया मिलना चाहिए था। 10 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिए, 10 शेयर होल्डर ने 20 रुपया नहीं दिए, तो 10 × 20 क्या हो गया, 200। मतलब मुझे 200 नहीं मिला, कितना मिल गया, 1800 मिल गया। तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 1800। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बक्स करो, इधर लिखो वर्किंग नोट वन, बी क्विक, लिखो एक्चुअली अमाउंट रिसीव 3000, ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट 1000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, 3000 माइनस 1000 और मिलेगा 2000। 100 शेयर होल्डर के लिए 2000 मिलने वाला था, पर 100 शेयर के लिए 2000, इसका मतलब एक एक शेयर के लिए मुझे कितना मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा। 10 शेयर होल्डर ने 20 रुपया हिसाब से 200 रुपया नहीं दिया, 2000 मिला, मिलने वाला था, 200 रुपया नहीं मिला 10 शेयर होल्डर का, इसीलिए टोटल में कितना मिला, 1800 मिला। क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, बहुत क्लैरिटी चीज है, एकदम क्लैरिटी होके चलो, मजा आएगा। फिर पॉइंट नंबर 5, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना होगा, रे 40 30 30। यहां भी मुझे 3000 मिलना चाहिए था, अभी क्या करेंगे, रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना मिलेगा, 10 सर, 10 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिए, 10 × 30, 300 रुपया नहीं मिला, टोटल मुझे मिलने वाला था 3000, 3000 का 300 नहीं मिला, तो टोटल कितना मिलेगा, 2700। क्लियर, फटाफट ये पॉइंट तक कंप्लीट करवाओ क्विक। ओके, क्लियर, ये वाला हो गया। यहाँ बिल्कुल ना कन्फ्यूजन होना है, ना यहाँ कन्फ्यूज होना है। अभी हम लोग क्या करते हैं, फोर फीचर का एंट्री करवाते हैं। मैं इतना मिटा देता हूँ, एक बात याद रखो, हमको रीइशू कितने में करना है, 80 रुपीज में रीइशू करना है बस। फोर फीचर पहला एंट्री क्या होगा, रे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, किसका पैसा मुझे नहीं मिला है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू, पहले अलॉटमेंट लिखो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना, मैंने बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड कितना होगा, मेरा 10 शेयर से इंटू एक एक शेयर का वैल्यू है 100 रुपीज, तो टोटल 1000 डेबिट होगा, पहला बात खत्म। क्लियर, तुम बोलोगे सर शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, यहां कंफ्यूजन होगा, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट में मुरा 10 शेयर होल्डर का पूरा पैसा नहीं मिला है, मतलब 10 × कितना था रे, 30, मतलब 300 आपको मिलने वाला था। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, यहां मैं थोड़ा सा पीछे आता हूं। देखो मैंने क्या बताया था आपको, टोटल शेयर अलॉटमेंट में, इधर देखो, टोटल शेयर अलॉटमेंट में हमारा मनी क्या होता है, टोटल शेयर अलॉटमेंट में हमको कितना मिलना चाहिए था रे, हमको मिलना चाहिए था 30 × 100 शेयर्स,
टोटल कितना मिलना चाहिए था, 3000 मिलना चाहिए था। अभी अगर मैंने 10 शेयर का बात करूं तो टोटल मेरा हो गया एक शेयर के लिए 30 × टोटल 10 शेयर इक्वल्स टू मुझे 300 मिलना चाहिए था, किधर, अलॉटमेंट स्टेज में। पर प्रॉब्लम क्या है, ये जो 10 शेयर होल्डर है इन्होंने एप्लीकेशन स्टेज में अलॉटमेंट स्टेज के लिए कुछ पैसा दे दिया था। इसका मतलब देखो, ये थोड़ा मिटा देता हूँ कैलकुलेशन के लिए। मेरा जो एप्लीकेशन स्टेज में 125 लोगों को पैसा मिला था, 125 × 40 मेरा कितना हो गया रे, 5000 हो गया। पर एक्चुअली शेयर कैपिटल को कितना गया रे, 100 × 40, ये हो गया एक्चुअली रिसीव्ड, एग्जैक्टली रिसीव हुआ, ये हो गया शेयर कैपिटल ट्रांसफर, मतलब 100 × 40, ये हो गया 4000। टोटल मेरे पास कितना रुपया बच गया, 1000 रुपीज मेरे पास, मतलब ये जो अमाउंट है ये क्या है, एक्स्ट्रा है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, यहाँ ही कंफ्यूजन होगा, यहाँ जो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, ये एक्स्ट्रा कितना शेयर होल्डर का पैसा है, 100 शेयर होल्डर का अलॉटमेंट मनी एडजस्ट हो गया। यहाँ कंफ्यूज, अच्छे से सुनो, मेरा जो 125 लोगों ने सब्सक्राइब किया 40 रुपीज के 5000, पर एक्चुअली शेयर कैपिटल को 4000 चला गया, जो 1000 एक्स्ट्रा बच गया वो एक्स्ट्रा किसका अमानत है, 100 शेयर होल्डर का अमानत है, या 100 शेयर होल्डर किसके शेयर में एडजस्टमेंट होगा, अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होगा। और 100 शेयर का अलॉटमेंट में स्टेज होगा तो 1 शेयर होल्डर का, 1 शेयर होल्डर का 1000 / 100 मतलब 10 रुपीज। इसका मतलब एप्लीकेशन स्टेज में एक एक शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया था, 40 + 10 50 रुपीज दिया था, 50 × 100 टोटल हो गया 5000। फिर से सुनो, फिर से 10 बार बताऊंगा क्योंकि कंफ्यूजन यही आता है। मेरा एक्चुअली एप्लीकेशन स्टेज में मैं 5000 रिसीव किया, क्यों 5000 रिसीव किया, बिकॉज मैंने 100 शेयर इशू किया, बट 125 शेयर होल्डर ने मेरे शेयर को सब्सक्राइब किया, 125 × 40 5000, पर मेरे शेयर कैपिटल को कितना ट्रांसफर किया, 4000 ट्रांसफर किया। ये जो 1000 एक्स्ट्रा किसी लिए था कि जिसका शेयर अलॉटमेंट में जाएगा वो मनी 1000 किससे साथ एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट के स्टेजेस में एडजस्ट होगा। तो जो 1000 अलॉटमेंट के स्टेजेस में, अलॉटमेंट के स्टेजेस में एडजस्ट होगा। ये जो एक्स्ट्रा पैसा 1000 है, जो पैसा अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होगा वो कितने के अमानत है, ये 100 शेयर होल्डर के पैसा है। अगर 100 शेयर होल्डर के 1000 है तो एक एक शेयर होल्डर का एक्स्ट्रा पैसा 10, मतलब एक एक शेयर का 10 रुपीज ऑलरेडी अलॉटमेंट स्टेज का दे चुका है। जो अलॉटमेंट का मेरा 30 रुपीज था, ऑलरेडी हम लोगों ने 10 रुपीज दे चुका हूं, 20 रुपीज में देने वाला था। ये क्लियर हो, एकदम क्लियर हो, फिर से बोल रहा हूं, यहां जो मेरा 100 रुपीज एक्स्ट्रा 1000 रुपीज आया, ये किसका अमानत है, 100 शेयर होल्डर का अमानत है। 100 शेयर होल्डर ने 1000 एक्स्ट्रा दे दिया, इसका मतलब एक एक शेयर होल्डर ने 10 एक्स्ट्रा दे दिया था एप्लीकेशन स्टेज में कि तुम लोग अलॉटमेंट स्टेज में इसको एडजस्ट करना। तुमको जो अलॉटमेंट में हम लोग 30 रुपया देने वाले थे, हम लोग एप्लीकेशन स्टेज में 10 दे देते हैं, अलॉटमेंट में तुमको कितना देंगे, 20 रुपया देंगे। पर ये जो 20 रुपया यहाँ नहीं मिला, तो शेयर अलॉटमेंट में मैंने क्या बोला था, जितना नहीं मिला इधर आएगा, मतलब 20 रुपया का हिसाब से ऑलरेडी वो लोग 10 दे चुके हैं, तो 20 रुपया एक एक शेयर होल्डर का वो लोग देने वाले थे, नहीं दिया, बिकॉज ऑफ दैट शेयर मैंने फोरफिट करवाया, कैंसिल करवाया। तो ये जो अमाउंट था, एक एक शेयर होल्डर को 20 रुपया देने वाला था अलॉटमेंट स्टेज में, क्योंकि वो एप्लीकेशन स्टेज में ऑलरेडी 10 रुपया दे चुके हैं, तो इधर कितना देने वाले थे, 20 रुपया देने वाले थे। तो 10 शेयर के लिए कितना हो गया, 200 रुपया हो गया, वो 200 रुपया नहीं लिए, इसीलिए मेरा शेयर फॉरफिट हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट, ये 30 रुपया देने वाले थे एक एक शेयर होल्डर के लिए, नहीं दिए, 30 × 10 ये हो गया
300। अभी इन लोगों को कितना मिला सेफ फॉरफिटेड अकाउंट में? सेफ फॉरफिटेड में पहले मिला कितना? पहले मिला एप्लीकेशन स्टेज में 40 रुपीज, तो 40 × 100 मिला, प्लस या एप्लीकेशन का मिला अलॉटमेंट का, सॉरी 40 × 10 10 शेयर होल्डर का पैसा मिला, 40 × 10 ये हो गया 400, प्लस हमारा जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा था अलॉटमेंट स्टेज के लिए भी वो 10 रुपीज मिल गया, 10 × 10 तो 40 × 10 हो गया 400, ये हो गया 10 × 10 100, तो टोटल ही हो गया 500, डेबिट 500 1000, क्रेडिट 1000। क्लियर? फिर से बताता हूँ एक बार, मेरा जो 125 शेयर होल्डर ने पैसा दिए 40 रुपीज के हिसाब से 5000 दे दिए, तो 1000 जो बच गया वो 1000 किसके लिए है? अलॉटमेंट स्टेजेस के लिए है। ये कितना शेयर होल्डर का है? ये टोटल 100 शेयर होल्डर का पैसा है, तो एक एक शेयर होल्डर का 10 रुपया अलॉटमेंट स्टेज में एडजस्ट होगा, तो अलॉटमेंट स्टेज का जो वैल्यू था 30 रुपीज, वो लोग ऑलरेडी एक एक शेयर के लिए 10 रुपीज दे चुके हैं। इसका मतलब क्या है? वो 30 रुपया देने वाले थे, 10 रुपया ऑलरेडी एप्लीकेशन में दे दिए थे, अभी उनको कितना मिलना चाहिए था? 20 रुपया उन तरफ से मिलना चाहिए था, उन लोगों के तरफ से मुझे मिलना चाहिए था कंपनी को एक एक शेयर के लिए 20 रुपया। ये शेयर अलॉटमेंट में 20 रुपया नहीं दिए, इस वजह से उन लोगों का शेयर फॉरफिट हुआ। इसीलिए मैंने क्या, एक एक शेयर लोगों 20 रुपया देने वाले थे, 10 लोग नहीं दिए, 20 × 10 ये हो गया 200। क्लियर? शेयर फॉर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30 रुपया, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट में इनका तो कुछ नहीं मिला है। क्लियर? तो 30 × 10 ये हो गया 300। शेयर फॉरफिटेड में उनको कितना मिलेगा? एप्लीकेशन स्टेज के लिए वो लोग दिए थे 40 × 10 400, प्लस ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 10 10, अलॉटमेंट स्टेज के लिए दे चुके थे 10 × 10। तुम यहां कंफ्यूजन मत होना, जो जो पैसा वहां से मिल गया है फॉरफिटेड में चलो, जो जो नहीं मिला है ऊपर डालो। अलॉटमेंट पे अगर देखो, एक्चुअली हम लोग क्या करते रहे, अलॉटमेंट में 30 डालते इधर 40 डालते, पर ये अलॉटमेंट में 30 क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि ऑलरेडी वो 10 10 रुपया ऑलरेडी दे चुके हैं, इसीलिए हम शेयर फॉरफिटेड में डाल दिए, शेयर अलॉटमेंट से माइनस कर दिए। क्लियर? शेयर अलॉटमेंट का 30 रुपया का वजह से उन लोगों का शेयर फॉरफिट नहीं हुआ, 20 रुपया का वजह से शेयर फॉरफिट हुआ, इसीलिए मैंने 20 × 10 करवाया 200। ऑलरेडी 10 रुपया वो लोग एप्लीकेशन स्टेज में दे चुके हैं, इसीलिए शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में 40 × 10 10 × 10 करवाया 500। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। यही कंफ्यूजन है, यही दिमाग खराब होता है। अभी देखो ये लिख लो वर्किंग नोट 2, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट लिख लो वर्किंग नोट 2। फिर क्या करेंगे रे, फॉरफीचर हो गया और इशू का एंट्री करते, इसको लिखो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीइशू का एंट्री क्या होगा रे, कितने रुपया में रीइशू कर रहे? 80 रुपीज में रीइशू कर रहे। बैंक अकाउंट डेबिटेड, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एक शेयर होल्डर का 100 है, तो हमको 10 10 शेयर फिर से इशू करवाना पड़ेगा, तो टोटल हो गया 1000। फिर बैंक अकाउंट में कितना आएगा? 18 × 10 800 आएगा। शेयर फॉरफिट में कितना आएगा? 200 रुपया आएगा। क्लियर? फिर क्या करेंगे, मेरा क्रेडिट में है टू शेयर फॉरफिटेड में है 300, पर इधर मेरा डेबिट में क्या हो गया, शेयर फॉरफिटेड 200, 300 से 200 चला गया 100 रुपये, शेयर फॉरफिटेड में है 500, इधर मुझे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट में है 200, 500 से 200 चला गया, मेरे पास कितना बच गया 300, किधर है 300, यह है क्रेडिट में, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, ये मेरा क्रेडिट में था 500, डेबिट में कैंसिल हो गया 200, तो मुझे कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा, 300 ट्रांसफर करवाओ, 300 ट्रांसफर करवाओ। दैट इज ऑल अबाउट योर प्रॉब्लम्स। क्लियर? एक बार फिर से बता दे रहा हूँ भाई, यहाँ कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि मेरा सिंपल सा फंडा है, जितना कॉल्ड अप हुआ था शेयर कैपिटल इतना डेबिट करवाओ,
मुझे जितना नहीं मिला इतना इधर डलवाओ, इधर जितना नहीं मिला उतना डलवाओ, शेयर फॉरफिटेड में जितना मिल गया उतना डालो। तो शेयर अलॉटमेंट में हमको जितना नहीं मिला, ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट का एक एक शेयर के लिए 30 रुपया होता है, पर एप्लीकेशन स्टेज में वो लोग अलॉटमेंट के लिए 10 रुपया दे चुके हैं, इसीलिए उन लोगों को अभी 20 रुपया देने वाले थे, वो 20 रुपया नहीं दिए, इसके लिए इनका शेयर फॉरफिट हुआ। तो 20 रुपया इंटू 10 शेयर होल्डर नहीं दिए, इसीलिए 200 रुपया हो गया। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 300 हुआ, क्योंकि 30 × 10 हो गया। और ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो था ऑलरेडी वो एप्लीकेशन में 40 रुपीज दिए थे, 40 × 10 हो गया 400। फिर अलॉटमेंट स्टेज के लिए वो लोगों ने 10 रुपया अलग से दे दिए थे, 10 × 10 क्या हो गया 100, ये हो गया 500, ये हो गया फॉरफिट एंट्री। फिर रीइश्यू करवाओ, बैंक अकाउंट डेबिटेड 800, शेयर फॉरफिट अकाउंट 200, शेयर कैपिटल अकाउंट 1000, बात खत्म। फिर क्या आएगा, शेयर फॉरफिट अकाउंट 300, क्यों 300 आएगा, बिकॉज यहां शेयर फॉरफिटेड में 500 है क्रेडिट में, यहां शेयर फॉरफिटेड में 200 है, कैंसिल करवाया, क्रेडिट में ज्यादा है 300, डेबिट करवाओ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 300 टू व्हाट कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300। दिस इज ऑल अबाउट योर, यहाँ एग्जाम में बहुत पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, क्लियर। तो चलो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट थी आज के क्लास में, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि शेयर फॉरफिट और फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स, दो शेयर्स आर ऑन प्रोराटा अलॉटमेंट, क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्लास में और बाकी चीज़ पढ़ते हैं, थैंक यू।